बूट कैंप दिल्ली में नहीं होना चाहिए, इसका भी गलत लेवल झगड़ा कर लिया था मैंने। बूट कैंप मुंबई में होना चाहिए, छह लोग मुंबई से हैं, छह लोग मुंबई से हैं, बूट कैंप छह लोग दिल्ली ट्रैवल करके आएंगे तो इफेक्टिव कॉस्ट तो उतना ही हो जाएगा। बट एट द एंड व्हाट हैपेंड कि नहीं भाई, उनको नहीं भरोसा था, उनको किसी और पे भरोसा था, उनकी बात मान के उन्होंने बोला नहीं दिल्ली में होगा। बहुत ज्यादा माइंड फक होने के बाद मैंने लिटरली बोला कि ठीक है भाई, जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड मैंने फिर वो अपनी पूरी वो बनाई, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि हाउ वी मेड हाइड्रा बूट कैंप। दिल पे पत्थर रख के पता है मैं उसमें कितने कितने लाइंस बोल रहा था, जो कि नहीं, मुझे मुझे पता है कि दिल्ली में नहीं होना चाहिए बूट कैंप, फिर भी बोल। इतना सिंपल लॉजिकल चीज है यार, मुंबई में हमारे सारे गेम के सर्वर्स है, पिंग बीजीएमआई स्पोर्ट्स अगर हमको करना है तो यार मुंबई और पुणे इज द मोस्ट वायबल प्लेस फॉर अ बूट। मुंबई पुणे 20 पिंग, दिल्ली में 20 पिंग कभी भी नहीं देखोगे अगर हमको वहां से फॉलो कर रहे हो तो। इनफैक्ट हमको इतना ज्यादा वो कॉस्टली पड़ रहा था जिस वजह से बूट कैंप फेल हुआ है। पूछ रही ना ये सारी चीजें, मैं वही बताना चाहता हूँ, डायनेमो अगर तेरे पास इतना है कि हैवी सपोर्ट सिस्टम था, क्यों ट्रस्ट नहीं करा मुझ पे, क्यों मैंने जो चीजें बोली थी उस पर तूने स्प्लिट नहीं करा चीजें उस हिसाब से, मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। खैर इन शॉर्ट मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि दिस इज वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ, चीप ट्रिक्स एंड वेयर अवर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इज हेडिंग टूवर्ड्स। मोबीज आउट ऑफ इंडिया जाके पहले गए थे ना, मोबीज में अवार्ड लेकर आया है SATL, एंड लुक एट व्हाट, बुरा लगता है भाई, लिटरली ओजी हूं मैं, वन ऑफ दी। उस पर ऊपर से हम लोग इस चीज पे ऊपर आर आर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंटेंट और रीचिंग हाइट्स, और एटलीस्ट जो जिस लेवल पे सूट गॉट लाइक है उनको गोल समझ के पहुंचना। आई रियली फील बैड यार, क्यों नहीं हम, क्यों नहीं, हमें कुछ कमी थी ही नहीं, सिर्फ एक डिसीजन लेना था, थोड़ा हार्डकोर रहकर सिर्फ एक डिसीजन लेना था कि भाई नहीं संभल रहा मुझसे ब्रांड, ब्रांड के लिए एजेंसी को पूरा थमा दो, अगर ब्रांड एजेंसी सही से काम नहीं कर रही उनको पकड़ो, क्या हो रहा है भाई, कंटेंट क्रिएशन नहीं हो रहा तो अल्फा को बोलो बैठ के, बात करो हर रोज एक एक घंटा, क्यों नहीं हो रहा था ये सारी चीजें। लिटरली मैं बूट कैंप में खुद इनिशिएटिव लेकर रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सबको सुनाता था बैठ के कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन, क्यों शॉर्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों लोगों के वॉच आवर्स नहीं कर रहे हो।